वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जिस क्वेश्चन पर आ चुके हैं, क्वेश्चन आज हमारा है शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में आप बात को समझ ही रहे कि सबसे पहले तो एक आपका एग्रीगेट डिमांड के अंदर हाउस होल्ड के साथ साथ में आपका कंजम्पशन के साथ साथ में एग्रीगेट डिमांड में आपके पास में यहाँ पर एक फर्म का इन्वेस्टमेंट और इसके साथ साथ में हम जो है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ले लेते हैं, तो वो हमारे पास में क्या आ जाता है, एग्रीमेंट जो है ये हमारे पास में ओपन इकोनॉमी मॉडल आ जाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टैक्स रेट। अब आपको पता है टैक्स रेट में जो चेंज आ रहा है, अब चेंज तो दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो टैक्स इंक्रीज होगा या तो टैक्स आपका डिक्रीज होगा। तो सवाल यह है कि टैक्स के इंक्रीज और डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम लेवल पर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है, रेट ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द थ्री सेक्टर इकोनॉमी। आइए सबसे पहले मैं यहां पर आपसे एक चीज यहां पर आपसे जो कह रहा है, ये डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहा है। कह रहा डिस्पोजेबल इनकम जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, वाई डी से। अब मैं आपको फिर बार बार रिपीट कर चुका हूं कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, बात को जरा समझिएगा। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से बता देता हूं एक बार। बच्चे मान लीजिए, मेरी सैलरी जो है 1,00,000 रुपए है, ठीक है, और मैं टैक्स पे क्या करता हूं, टैक्स में 10,000 रुपए पे कर देता हूं, मतलब 10% टैक्स पे कर देता हूं, 10%। तो 10% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए टैक्स पे कर दिया, तो खर्च करने के लिए कितना बचा मेरे पास में, 90,000 बचेगा। तो ये तो मेरा इनकम है, और जो खर्च करने के लिए आफ्टर टैक्स जो पैसा बचता है इसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, वाई डी। तो आपको समझ में आया कि डिस्पोजेबल इनकम क्या है। और यही टैक्स रेट अगर बढ़ जाए, 1,00,000 रुपए है, सोचिए जरा टैक्स रेट बढ़ जाए, मान लो 15% हो गया बढ़ करके, टैक्स रेट 15% हो गया, बढ़ गया टैक्स, तो टैक्स बढ़ने के बाद 15% हो गया है, तो आपका टैक्स जाएगा कितना इस पे, 15,000 रुपए। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या बचेगा आपका, डिस्पोजेबल इनकम आपका 85,000 बचेगा। तो क्या समझ में आया कि जब टैक्स आपको क्या समझ में आया, टैक्स और डिस्पोजेबल इनकम में टैक्स जब बढ़ता है तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, कम होता है। और उसी तरीके से जब टैक्स रेट कम हो जाए, क्लियर है, अगर लाख की जगह 5% हो जाए तो 95,000 बच जाएगा। तो अगर टैक्स कम हो जाता है तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपको ये इस बात को समझना होगा। और हमारी इकोनॉमी जो कंजम्पशन करती है, क्योंकि अब आप ओपन इकोनॉमी मॉडल में आ चुके हो बच्चे, ओपन इकोनॉमी मॉडल में, क्लोज इकोनॉमी मॉडल में क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर था ही नहीं, जब सरकार ही नहीं उसमें मैंने एग्जिस्ट करा है तो वहां पर टैक्स का कोई रोल ही नहीं था, वहां सिर्फ वाई ही चल रहा था। बट यहां पर जहां पर आप ओपन इकोनॉमी मॉडल में आ गए हो, यहां पर गवर्नमेंट की एंट्री हो गई है, गवर्नमेंट की एंट्री होगी तो फिर टैक्स ये सारी चीजें भी एंटर होंगी, और जब टैक्स लगेगा तो यहां पर बात इनकम की नहीं होगी, हमारा कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड नहीं करेगा, हमारा कंजम्पशन डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड करेगा। क्योंकि इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर करा था वो क्लोज इकोनॉमी मॉडल कवर किया था, जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो वहां पर तो फिर टैक्स का कोई रोल ही नहीं था, तो वहां पर हमारा कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड कर रहा था, यहां पर हमारा कंजम्पशन इनकम डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड करता है, इस बात को समझिएगा। तो क्या कहता है ये, इंक्रीज इन टैक्स रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम, एंड द अदर हैंड फॉल इन द टैक्स इंक्रीज द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम जिसको वाई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम माइनस टैक्स। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, डिस्पोजेबल इनकम इज टेकन इन टू द कंसिडरेशन, नॉट अ इनकम। किसको लेंगे, डिस्पोजेबल इनकम को लेंगे। इंक्रीज इन टैक्सेशन लीड्स टू फॉल इन द लेवल ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम, एंड डिक्रीज इन द टैक्सेशन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज, जब डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगा तो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज। भैया मेरे पास तो खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचा हुआ है तो मेरी कंजम्पशन भी तो बढ़ेगी। ऑन द कंट्री व्हेन डिस्पोजेबल इनकम फॉल्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आल्सो फॉल्स। इस बात को समझ पाए आप, पहले ही बताइए। चलिए अब मैं इस चीज को एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं।
शानदार सा कलर बन नहीं रहा यार, बड़े दिनों से सोच रहा हूँ कुछ अच्छा सा कलर रंग बने। देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, टैक्स को बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास में एग्रीगेट सप्लाई है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, और ये आपके पास में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बना रहा हूँ मैं। वैसे एग्रीगेट डिमांड बनता कैसे है, ओपन इकोनॉमी मॉडल में कैसे बनता है, बात समझिएगा। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, जो एक एक हाउस होल्ड कंजम्पशन कर लेती है, एक फर्म इन्वेस्टमेंट कर लेती है, क्लियर है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बात समझे, क्लियर है। और ओपन इकोनॉमी मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, तो खैर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट की थ्री ओपन इकोनॉमी मॉडल बोल रखा है इसमें, अब बना सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट भी होता है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। बेसिकली ओपन इकोनॉमी मॉडल में, अगर मैं थ्री इकोनॉमी मॉडल में, तो सिर्फ रखते हैं क्या है, हाउस होल्ड कंजम्पशन, फॉर्म एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करती है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। तो थ्री इकोनॉमी मॉडल में तीन ही रखते हैं, बट एग्रीगेट डिमांड ओपन इकोनॉमी मॉडल में क्या होता है, ये नेट एक्सपोर्ट भी होता है। नेट एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कि कितना हमने सामान बाहर बेचा, कितने का सामान हमने खरीदा, 100 रुपए का सामान बेचा, 80 रुपए का सामान खरीदा, तो 20 रुपए का ही नेट एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो ये एग्रीगेट डिमांड होता है। तो मैं हम इससे पहले क्या बना रहे थे, एग्रीगेट डिमांड का पहले हम ये कर रहे थे कंजम्पशन, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट ऐड कर रहे थे, फिर कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर मैं डायरेक्ट एग्रीगेट डिमांड लिख देता हूँ, ठीक है जी, समझिएगा। तो एग्रीगेट डिमांड में इसको लिख देता हूं, ये एग्रीगेट क्या है, डिमांड है, और ये एग्रीगेट क्या है, सप्लाई है। ये इंटरसेक्ट कहां कर रही है, यहां कर रही है, और ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंडीशन क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। मैं समझा चुका हूं इस पॉइंट को, क्लियर है दिस वन। और ये मेरा नेशनल इनकम के लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरे एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्रीगेट डिमांड पर ही पसंद कर रहे हैं, क्लियर है जी, समझे, ऐसे लिख देते हैं ना सीता। एग्रीगेट डिमांड, क्लियर है, ओरिजिन, क्लियर है जी। अब मैं यहां पर कंडीशन फर्स्ट का डाल रहा हूं, टैक्स क्या हो गया, चलिए टैक्स डिक्रीज कर देते हैं, टैक्स कम हो जाएगा। आप बताइए जब टैक्स कम हो जाएगा तो क्या होगा, जब टैक्स कम हो जाएगा तो डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाएगा, जब टैक्स कम होगा तो क्या होगा, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा, और डिस्पोजेबल इनकम अगर बढ़ता है तो फिर मेरा जो है कंजम्पशन क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। तो मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा इकोनॉमी में, ये होगा। तो एग्रीगेट डिमांड मेरा बढ़ेगा, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड है ना, दिस वन, ये थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम कहां आ जाएंगे, ई से ई वन पर आ जाएंगे, और ये ओ वाई वन पर आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया, पहले आप कहां पे थे, पहले आप यहां ई पर थे, अब आप ई वन पर आ गए, क्योंकि जैसे ही टैक्स रिड्यूस होगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। और ये तो आपको पता है कि ये क्या होता है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, कि जीरो इनकम लेवल पर भी रिप्रेजेंट होता है, क्लियर है। और जैसे ही आपका टैक्स रेट कम हुआ, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, तो एग्रीगेट डिमांड का नया लेवल क्या हो जाएगा आपका, दिस वन, ये बात समझे, क्लियर है। तो आप यहां पर देखें क्या है आपका, ये खैर यहां पर क्या हुआ, टैक्स रेट इफेक्ट चेंज इंक्रीज, यहां पर टैक्स रेट इंक्रीज हुआ, मैं डिक्रीज वाला मैंने पढ़ाया अभी आपको, हाँ, टैक्स रेट गिवन द डायग्राम द डिक्रीज, हाँ ये रहा डिक्रीज।
तो क्या हुआ, देख रहे हैं आप, यहां से आप यहां पहुंच गए, और जैसे टैक्स टैक्स रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको पता है टैक्स के इंक्रीज होने से अगर टैक्स बढ़ता है तो इनकम डिस्पोजेबल जो है आपका, बनाओ या फिर समझ में आ गए, इनकम डिस्पोजेबल क्या होगा आपका, घटेगा, और एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, घटेगा। तो नॉर्मली आपने अपना ये एक एग्रीगेट डिमांड बनाया था, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और यहां पर आप अपना इंटरसेक्ट हो रहे थे, बट जैसे ही टैक्स बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल आपका कम हो जाएगा, दिस वन AD1। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहां पर ये आपका E1 हो गया और ये आपके पास में हो गया। क्लियर है जी, बात समझ में आपको आई या नहीं आई, क्लियर है, कोई डाउट? तो बस टैक्स से एग्रीगेट डिमांड कर पे इफेक्ट पड़ता है, एग्रीगेट सप्लाई कर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पैरेलल क्यों नहीं जाएगा, पैरेलल जाने का मतलब क्या है, पैरेलल जाने का मतलब यह है कि आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बढ़ेगा जीरो इनकम लेवल पर। अब आपको पता है टैक्स बढ़े घटे, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है ये जीरो इनकम के लेवल पर भी उतना रहता है या किसी भी इनकम लेवल पर वो उतना ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक ऐसा अमाउंट होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़े या घटे वो उतना ही रहेगा, जीरो हो जाएगा तब भी आप उसको उतना ही करोगे, और आप इसको पैरेलल शिफ्ट करोगे तो इट मीन्स जीरो इनकम के लेवल पर आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन ही बढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, पेपर में यहां से सवाल आपके आते ही आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ GDP इन द इकोनॉमी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन द इकोनॉमी। आपको क्या फाइंड करना है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ GDP फाइंड करना है, इट मींस आपको क्या फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, एक आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन दिस इकोनॉमी, तो एक आपका MPS फाइंड करना है। लिख लो पहले क्या फाइंड करना है, कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू दिस, ये आपको दिया हुआ है, एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब आई इक्वल्स टू दिस आपको दिया हुआ है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको 800 करोड़ दिया हुआ है, टैक्सेशन आपके पास में ये दिया हुआ है। क्लियर है जी, और आपके पास में एक्सपोर्ट्स, आपके पास में एक्स इक्वल टू दिस दिया हुआ है, और आपके पास में इंपोर्ट फंक्शन बता रखा है कि इंपोर्ट कितना करा वो आपसे बताया हुआ है। क्लियर है जी, तो सब चीज आपको बता रखी है, तो यहां पर बस आपको यहां पर क्या चीज कैलकुलेट करनी है, यहां पर बस आपको एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ GDP इन द इकोनॉमी, क्या आप कर सकते हो इसको बताइए। करो पहले इसको, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, ताकि पहले आप कर लो फिर मैं उसका छोटा करके सॉल्व करवाऊंगा, इसमें से पेपर में सवाल आएगा ही आएगा। करिए पहले इसको आप, करें जल्दी से आंसर दे,
ये देख लो कहाँ, गौरव कुमार कहाँ क्लास 12th में आपके पास कोई टैक्स वगैरह सब चीजें थी, नहीं थी ना? चलिए सर, नहीं हो रहा है, बिल्कुल जी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अब मैं बता देता हूँ अब होगा, कैसे करना है इन सवालों को। दिख तो रहा है ना ये आपको, दिख रहा है ना? देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए बच्चे, क्या गिवन है आपको, फाइंड क्या करना है मुझे मालूम है, गिवन क्या उसको पकड़ते हैं पहले। एक तो आपके पास कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, टी इक्वल्स टू 100 करोड़ प्लस 0.6 YD, मतलब मीन्स डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू इनकम माइनस टैक्स और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई आपको गिवन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन सही होगा ना आपका, आई आई इक्वल्स टू क्या आपका, आई इक्वल्स टू आपका 500 करोड़ है, और आपके पास में जी गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी आपका 800 करोड़ है, लिख लो पहले इंफॉर्मेशन को, और टैक्स टी आपका 200 करोड़ है लिखा हुआ है, खैर फिर भी आप लिख लीजिए एक बार, और आपके पास में एक्सपोर्ट मींस एक्स इक्वल्स टू 200 करोड़ एक्सपोर्ट भी है, और आपका इम्पोर्ट इक्वल्स टू 50 प्लस 0.3 मींस 30% ऑफ इनकम प्लस 50 इक्वल्स टू इम्पोर्ट हो रहा है हमारा। तो ये हमारा क्या है, इम्पोर्ट फंक्शन है, तो ये बात समझ में आपको आई। तो इम्पोर्ट फंक्शन भी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि मिनिमम हम इतना तो इम्पोर्ट करेंगे करेंगे, और डिपेंड करता है हमारे इनकम पर कि हम और कितना डिपेंड करेंगे। हाँ जी, तो आपके पास में यहाँ नेशनल इनकम कैसा निकलता है, मैं बात अब इसकी कर लेता हूँ। नेशनल इनकम अगर आपको कभी भी निकालना हो, वाई इक्वल्स टू कैसा निकालोगे, तो सी प्लस आई प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये चार चीजें रख करके आप नेशनल इनकम बनाएंगे, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट जो पहले भी कर रहे थे आप, दो चीज नया, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। वाई इक्वल्स टू सी, सी क्या है मेरे पास पे, सी का फंक्शन दिया हुआ है क्या, 100 प्लस 0.6, और वाई वाई नहीं ये डिस्पोजेबल इनकम है, तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इनकम माइनस टैक्स, तो टैक्स क्या होगा हमारा 200 करोड़। बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है, समझिएगा। वाई डी ऑलवेज कैसे निकालेंगे आप, वाई माइनस टी ये निकालेंगे। तो यहां पर आपके पास में क्या था, कंजम्पशन फंक्शन में, तो 100 प्लस 0.6 वाई डी की वैल्यू कैसे निकाला मैंने आपका, कुछ इस तरीके से, वाई माइनस टैक्स प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी 800, और प्लस सॉल्व करा मैंने ब्रैकेट में एक्सपोर्ट मतलब कि 200 माइनस 50 प्लस 0.3 Y, यार बहुत छोटा हो जाता है ना जी। हाँ जी चलिए निकालते हैं, आप वाई इक्वल्स टू सॉल्व करते हैं क्या आएगा, 100 और आपका ये 1000 और ये 1100, तो फिलहाल साफ साफ नजर आ रहा है, प्लस 0.6 वाई
माइनस 60% ऑफ दिस 120, ये मल्टीप्लाई करा ना दोनों को, ये तो ऐड कर ही लिया हमने, माइनस 50 एंड प्लस 0.3y, क्लियर है? आगे सॉल्व करते हैं हम यहां पर, इसको हम यहां पर माइनस कर देंगे, y माइनस 0.6y इक्वल्स टू आपके पास में क्या आया, 1100 माइनस 170, देख लीजिए क्या होगा, ये आपके पास है y है ना, यहां पर आ जाएगा ना आपके पास में y के साथ में y आ जाएगा y, और इसमें से आप माइनस कर देंगे 0.3y हो जाएगा, तो प्लस माइनस y माइनस 0.3y, पता लगा कैसे हुआ, 0.6y में से 0.3y गया तो 0.3y प्लस का आएगा, यहां पर आके 0.3y माइनस का बचेगा, इक्वल्स टू 1100 में से 100 गया 1000 और आपके पास में 980, आप सीधा कर लो ना, 1100 माइनस 170, ठीक है, तो y माइनस ये आपका 0.7y इक्वल्स टू, हाँ जी बोलिए, कौन सी क्लास के लिए, नाइन्थ क्लास के लिए, ऊपर है सर, हाँ जी, तो यहां पर आपके पास पे आप 1000 और 70 माइनस कर देंगे तो 930, क्लियर है जी, सॉल्व करेंगे y इक्वल्स टू 930 डिवाइडेड बाय 0.7, ये आपके पास में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को, चौदह सौ तीस होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ गड़बड़ करा है हमने ऐड करने में, शायद क्या गड़बड़ हुई हमसे, 1100 800 1000 और 1100 माइनस 120 माइनस 50 0.3, ठीक ही चल रहा है, अच्छा कुछ लेना भूल गया हम यहाँ पे, शायद प्लस 800 500 इन्वेस्टमेंट लेना भूल गया हम यहाँ पे, आई लेना भूल गया हम यहाँ पे 500, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 सब कुछ ठीक चल रहा है, एंड वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 1430 डिवाइडेड बाय 0.7, अब सॉल्व करेंगे आप 1430 डिवाइडेड बाय 0.7 तो कितना आपका आया 2042.85 करोड़ आपकी इनकम आ गई, क्या कह रहे हो आप सीख रहे हो सिखा रहे हो, अगर आप सीख रहे हो तो फिर आप पूछेंगे कैसे आया, क्या आएगा वो मत बताइए, देखिएगा क्या आपके पास में y का ये फंक्शन पूरा रहता है, फिक्स फंक्शन है, याद रख लीजिएगा चार चीजों का मिलाकर के नेशनल इनकम आपका आएगा, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, मैंने यही कंजम्पशन की जगह कंजम्पशन फंक्शन रख लिया, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ये आपका डिस्पोजेबल इनकम होता है हमेशा वाई माइनस टैक्स होता है, दिस वन फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, और आपके पास में दिस वन और आपके पास में ये नेट एक्सपोर्ट, ठीक है ना, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, अब इसको सिंप्लीफाई करा तो आपको ये देखिएगा 0.6y में से 0.3y माइनस होगा 0.3y बचेगा, अब 0.3y यहां पर आएगा तो ये पूरा 1 है ना, तो 1 में से 0.3y गया तो कितना बचेगा 0.7y बचेगा, क्लियर है जी, अब आपसे पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द जीडीपी इन द इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आपको निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे आप, थोड़ा छोटा होता चला जाएगा बट कोई बात नहीं, एक ही पेज पे कर लेंगे बेटर है, नहीं तो अगले पेज पे करेंगे तो अगले पेज पे लेके चलता हूं, देखिए आपको पता है कि एमपी, आपको पता है यहां पर क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन, यहां पर
कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी और आपके पास में डिस्पोजेबल इनकम, ये होता है ओपन इकोनॉमी मॉडल कंजम्पशन फंक्शन का आपके पास पे। और यहाँ पे सी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपका 100 प्लस 0.6 कुछ ऐसे दिया हुआ ना आपका वाईडी। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि आपका यहाँ पर एमपीसी को बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0.6। और आप जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1 होता है, और एमपीसी 0.6 है तो प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 एंड आपके पास में एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6 एंड आपका एमपीएस इक्वल्स टू 0.4, ये आपका एमपीएस की वैल्यू आ गई। समझे, क्लियर है?